भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन सिंह ने लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार की काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा था। भोजपुरी स्टार की वजह से इस सीट पर हर किसी की निगाहें जमी हुई थी। हालांकि पवन को हार का मुंह देखना पड़ा, लेकिन उन्हें एनडीए के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा से ज्यादा वोट मिले। दिलचस्प बात यह है कि पीएम मोदी और अमित शाह तक ने कुशवाहा का प्रचार किया था। वहीं चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे पवन अब पूरी तरह राजनीति में उतर कर दमखम दिखाने की तैयारी में जुट गए। इसके लिए उन्होंने पूरा प्लान भी तैयार कर लिया है। दरअसल पवन सिंह लोकसभा चुनाव में मिले जनता के प्यार और समर्थन के चलते उत्साह से लबरेज हैं, और इसी के साथ भोजपुरी स्टार ने अपने पॉलिटिकल करियर को लेकर बड़ा दांव खेला है। दरअसल उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी का गठन करने की घोषणा कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पवन सिंह की पार्टी का नाम सर्व समाज पार्टी होगा, और उनकी पार्टी साल 2025 में बिहार में विधानसभा की सभी सीटों पर चुनाव भी लड़ेगी। इतना ही नहीं, पवन सिंह के करीबियों के मुताबिक भोजपुरी स्टार अब पूरे बिहार में आशीर्वाद यात्रा भी निकालने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद भी पवन सिंह ने लोगों का आभार जताया था, और साथ ही ये भी संकेत दिया था कि वे लोगों के लिए काम करते रहेंगे। उन्होंने एक्स अकाउंट पर की गई अपनी पोस्ट में लिखा था कि हार तो क्षणिक है, हौसला निरंतर रहना चाहिए। हम तो वो हैं वैसे लोगों में हैं जो विजय पर गर्व नहीं करते और हार पर खेद और शोक नहीं करते। खुशी और गर्व इस बात का है कि काराकाट की जनता ने मुझे अपना बेटा भाई स्वीकार कर इतना प्यार दुलार और आशीर्वाद जो दिया, उसके लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। आपको बता दें कि भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह निर्दलीय बिहार की काराकाट सीट से चुनावी मैदान में उतरे थे। उनका मुकाबला एनडीए के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा और इंडिया गठबंधन के सीपीआई एमएल के राजा राम से थे। काराकाट सीट के इस त्रिकोणीय मुकाबले में राजा राम सिंह 3,18,730 वोट पाकर विजयी रहे। वहीं 2,26,474 वोट पाकर पवन सिंह दूसरे स्थान पर रहे, जबकि उपेंद्र कुशवाहा 2,17,109 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।